हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग मनी टैप लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप लोगों ने मनी टैप लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और उसका रिपेमेंट अभी तक नहीं किया तो आपके साथ क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप ये पूरा वीडियो आखिर तक जरूर से जरूर देख लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मनी टैप लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। और साथ में अगर आपको इससे लोन ये लेना हो तो आपका ये पर्सनल डिटेल्स सारा ले जाती, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप लोगों ने इससे लोन ले लिया और उसका रिपेमेंट नहीं किया तो ये कंपनी वाले आपको खूब ज़्यादा कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लिंक भेजेंगे और खूब ज़्यादा डराएंगे कि आप लोन का रिपेमेंट टाइमली कर दीजिए। इसके बावजूद भी अगर आप लोग लोन का रिपेमेंट टाइमली नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास उतना पूरा काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग चुका है, यानी आपने 5,000 लोन लिया था, अब चार्ज और इंटरेस्ट लगा के 10,000 हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में ये सब क्या करेंगे कि आपको जो पैन कार्ड की डिटेल है वो इक्विफैक्स नाम की कंपनी है उसको सेंड कर देंगे, जिससे कि आपका सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता है और इसके चलते आपको फ्यूचर में लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। सिविल स्कोर को आप लोग अब भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग को खूब ज़्यादा कॉल आएंगे और साथ ही साथ में ये लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन वाले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करने के बाद आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको भी कॉल करने लगते हैं। तो इससे बचने का यह एक उपाय हो सकता है कि आप अपना फ़ोन नंबर बंद कर दीजिए उसी समय के लिए, जब तक आप इसका लोन पे नहीं करना चाहते हैं। और बाकी आप फ्यूचर में इसके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी इंडिया में रूल है कि पर्सनल लोन अगर कोई भी आदमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में ना तो आप पे कभी केस हो सकता है ना आपको कभी जेल हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर ही आपका डाउन किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला लग रहा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और बाकी अगर आप लोग को खूब ज़्यादा पैसा अर्निंग करना है वो भी सिर्फ और सिर्फ साइनअप करते ही, तो एक दो एप्लीकेशन का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको अगर आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो साइनअप करते ही आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्निंग होंगे, जिसको सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में या पेटीएम में निकाल सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग